हेलो गाइज, मैं हूँ सुमंत साई श्रद्धा एजुकेशन परिवार का सारे सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज आप लोग को साइट घुमाना लाया हूँ जिसमें से हम लोग बात करेंगे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग आरसी वर्क करते हैं, कलम करते हैं, बीम करते हैं, उसका स्लैब भी डालते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो प्ले रोल करता है वो ब्रिक मैसनरी करते हैं। ब्रिक मैसनरी जब तक नहीं होगा आपका बिल्डिंग कम्प्लीट नहीं रहता है। तो जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चार स्टेप रहते हैं। और जो लोग ने परिवार में नया है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन बना रहेगा। साइड में जो बेसिक फंडामेंटल आप लोग को लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और ये जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, चार प्रोसेस है। पहले याद रख लीजिए कि एक क्ले प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग मोल्डिंग करेंगे, उसके बाद ड्राइंग करेंगे, और जो लास्ट स्टेप है वो बर्निंग है, ठीक है। और जो प्रिपरेशन क्ले के अंदर में भी सिक्स स्टेप है, जैसे कि हम लोग साइड सिलेक्शन करने के बाद हम लोग पहले ऑनसोलिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं डिगिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करें क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद वेदरिंग करेंगे, नेक्स्ट ब्लेंडिंग करेंगे, लास्ट टेम्परिंग करेंगे, ठीक है। ये सिक्स स्टेप है जो प्रिपरेशन क्ले के अंडर में आता है। ऑनसोलिंग क्या है ना, जो कोई भी एक साइड सिलेक्शन करने के बाद उसका जो टॉप लेयर में क्या रहता है ना, हमेशा आपका इंप्योरिटीज रहता है, उसको क्या करें हम लोग को निकाल निकाल देना है। उसको क्ले जो ब्रिक का जो रॉ क्ले है उसको नहीं लेना है। तो हम लोग का जो जो सरफेस है, सरफेस से अप टू 2 mm का डेप्थ तक हम लोग वो जो सॉइल लेयर को, टॉप लेयर को हम लोग निकाल दें। उसके बाद हम लोग डिगिंग करेंगे हम लोग का जो रॉ ब्रिक के लिए, ठीक है। तो ऑनसोलिंग का पार्ट हो गया कि टॉप लेयर को हम लोग रिमूव करेंगे, उसके बाद डिगिंग करेंगे हम लोग का जो रॉ क्ले चाहिए। डिगिंग करने के बाद जो थर्ड स्टेप है क्लीनिंग है, उसमें से क्या करेंगे जो हम लोग डिग आउट करके हम लोग जो क्ले लेके आए हैं उसमें से क्या रहेगा ना, आपका स्टोन रहता है, छोटा छोटा स्टोन रहता है, पेबल्स रहता है और कुछ इंप्योरिटीज भी रहता है, उसको क्या करें क्लीनिंग करेंगे अच्छे से। उसके बाद वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग क्या है ना, हम लोग को सॉफ्टेनिंग करना है, ऐसे सर्व एक्सपोज जो एटमोसफेयर को एक्सपोज करके रखेंगे उससे कि सॉफ्टेनिंग हो जाए। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग में क्या है ना, आपको लूज करना है कि कुछ भी इंप्योरिटीज आपको ऐड करना है जो एक क्ले रॉक के लिए बेटर है, गुड स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, आप लोग ऐड कर सकते हैं। और उसको ऐसे स्टेज में रखेंगे जैसे कि हम लोग जो लास्ट स्टेप है टेम्परिंग, उसको प्रिपेयर करेंगे टेम्परिंग के प्रोसेस के लिए ये करेंगे, ठीक है। जो प्रिपरेशन क्ले का जो लास्ट में टेम्परिंग है उसमें क्या करेंगे, हम लोग को मोल्डिंग करने के लिए जो क्ले चाहिए प्लास्टिक स्टेट में क्ले चाहिए, जैसे कुछ वाटर ऐड करेंगे क्ले में जिसमें कि हम लोग को उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से प्रेस करके उसको प्लास्टिक स्टेट बनाएंगे ताकि हम लोग जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंड स्टेप है, जो हम लोग मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि जो मोल्डिंग है वो मोल्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। मोल्डिंग में क्या है, हम लोग को जो मैं अभी बता रहा हूँ ना उसके सारे डिटेल्स आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। जो मोल्डिंग है आपका, मोल्डिंग में हम लोग दो तरीके से रहते हैं। मोल्डिंग में आप क्या करेंगे, एक आप इधर मशीन मोल्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो हैंड मोल्डिंग कर सकते हैं। मशीन मोल्डिंग में आपका जो शेप है ब्रिक का वो अच्छे से आएगा, लेकिन हैंड मोल्डिंग में थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन रहेगा, ठीक है। तो हैंड मोल्डिंग में भी आपका ग्राउंड मोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को टेबल मोल्डेड भी कर सकते हैं। मोल्डिंग करने के बाद आप लोग को ड्राइंग करेंगे, एटमोसफेयर ड्राइंग करना है, वो ड्राइंग 3 to 10 days आपको ड्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बर्निंग करना पड़ेगा। बर्निंग करने के लिए आपको क्या है, आपका इधर जो स्मॉल अमाउंट का ब्रिक है, जैसे कि आपका कुछ 5000-10000 का ब्रिक को बर्निंग करना है तो आप क्लैंप यूज कर सकते हैं, नहीं तो कुछ लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल में आपका ब्रिक मैन्युफैक्चर बर्निंग करना है तो आप जो किल्न है किल्न में यूज कर सकते हैं। आज हम लोग को क्लैंप दिखाऊंगा, जैसे कि हम लोग को 5000 से 10000 तक ब्रिक को हम लोग बर्निंग कराएंगे, उसको क्लैंप का साइट विजिट करेंगे, ठीक है। आज आपको ब्रिक का भी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लैंप है, जैसे कि हम लोग मैंने बताया था कि स्मॉल अमाउंट का ब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बर्निंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये धागा देख रहे हैं, दोनों तरफ का धागा, जैसे कि हम लोग लाइन में रखे हैं इधर और इधर आप लोग को। चलिए पहले ब्रिक का साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग, इसको ट्रेडिशनल ब्रिक साइज़ जो है 22.9, और उसका लेंथ है, उसका जो ब्रेड्थ है हम लोग का 11.2, और इसका जो हाइट है वो 7 cm है, ठीक है। अभी देखेंगे इसका जो साइज़ क्या है, देखते हैं पहले। ये देखिए पहले लेंथ देखेंगे, पहले लेंथ देखेंगे, ये लेंथ देखिए, ये अभी आपका 22.5 cm आ रहा है, देखिए इधर इधर 22.5 cm आ रहा है। उसका देखिए वुड देखेंगे, वुड देखिए दोस्तों, ये 10.2 cm आसपास आ रहा है, ठीक है। उसका उसका हाइट देखेंगे,
हाइट देखिए दोस्तों, ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब जो ट्रेडिशनल ब्रिक का वो थोड़ा बहुत उसका, ये सारा हैंड मोडल, ये जो ब्रिक है देख रहे हैं आप लोग का, ये सारा हैंड मोल्डिंग हुआ है, जिसमें से आप लोग का जो ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज का वो आसपास आ रहा है। जैसे कि हम लोग का जो लेंथ आ गया उसका, इधर देखिए ये जो देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको बेसिक कंसेप्ट में, ये जो फेस है ना, ये जो फेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग का स्ट्रेचर है, और ये जो फेस है छोटा वाला फेस इसको हेडर बोलते हैं, और ऊपर देखिए ऊपर आपका थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ है टॉप सरफेस में, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके ऊपर और के ब्रिक का लेयर आएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर ब्रिक का लेयर आएगा, ये भी टॉप में रहेगा, फ्रॉग हमेशा टॉप में रहता है। जैसे कि इधर देखिए, इधर उनका जॉइंट में एक गैप आ गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मोर्टार देके इसको अच्छे से जॉइंट कर पाएंगे। ये जो देख रहे हैं सारे रॉ ब्रिक है, ठीक है, जैसे कि अभी रेडी हो रहा है कि हम लोग का बर्निंग करने के लिए, यहाँ पे इधर देखिए इतना बर्निंग करने के लिए ये जितना भी वुड है इधर रखा गया है, ठीक है, ये देख रहे हैं साइड देख रहे हैं अभी, ठीक है, छोटा सा साइड है, कोई भी एक पर्सनल बिल्डिंग बनाने के लिए ये अभी क्लैंप बना रहे हैं, जैसे उसको अच्छे से बर्निंग कर पाएंगे। ये देखिए उसको पूरा एक ही लाइन में रखा गया है, और बीच बीच में जो गैप है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी वुड है बर्निंग करने के लिए वो रखेंगे, ठीक है। और जो बर्निंग करने के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो टेम्परेचर का अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, जो 1100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना है। वो ज़्यादा ज़्यादा बर्निंग हो जाए तक आपका वो ब्रिक ब्रिटिल हो जाएगा, मतलब कोई भी उसका स्ट्रेंथ ठीक नहीं रहेगा, और कम टेम्परेचर हो जाएगा तो वो ब्रिक में मॉइस्चर का जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा। हम लोग को ब्रिक ऐसे मैंने बर्निंग करना है जैसे कि हम लोग का वो अच्छे से परफेक्टली जो टेम्परेचर हम लिमिट है 1100 डिग्री सेल्सियस, वो अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन रहे और ब्रिक को हम लोग बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। इधर देखिए ये एक ब्रिक का लेयर है, उसके बाद हम लोग का जो वुड है जलने के लिए वो बर्निंग के लिए इधर रखा गया है, फिर ब्रिक का लेयर रखते हैं, फिर इधर रखा जाता है, फिर ब्रिक का लेयर, फिर इधर गैप रखते हैं जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, वुड रखेंगे बर्निंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पूरा एक लेयर करेंगे, जितना भी इधर रॉ ब्रिक देख रहे हैं साइड में है उसको इधर रखेंगे अच्छे से, और ये जो ब्रिक है वो इसको क्लैंप ही बोलेंगे, क्योंकि इधर मतलब स्मॉल अमाउंट का इधर ब्रिक हम लोग बर्निंग करेंगे, लार्ज अमाउंट का ब्रिक हो तो हम किलन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आप लोगों को पता चल गया कि स्ट्रेचर क्या है, हेडर क्या है और फ्रॉग क्या है, ठीक है ना। ये देखिए इधर, ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले से इधर एक यहाँ से कुछ दूर पर एक फैक्ट्री है जिसमें से हम लोग इधर ब्रिक क्ले को पहले ये करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद मोल्डिंग करते हैं, ड्राइंग होने के बाद इधर लाते हैं यहाँ पे क्लैंप बर्निंग करने के लिए, ठीक है। और इधर इसी ब्रिक बर्निंग होने बाद हम लोग को उसका टेस्ट रहता है कि इसका साइज़ का भी टेस्ट रहता है, उसका स्ट्रेंथ का भी टेस्ट रहता है, उसी से हम लोग को बात करेंगे कि ये कौन सा क्लास का ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है कि सेकंड क्लास ब्रिक है कि थर्ड क्लास ब्रिक है, और ये जो टेम्परेचर है हम लोग ज़्यादा बर्निंग हो जाएगा ब्रिक तो हम लोग उसको रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोल सकते हैं, मतलब ओवरबर्न्ड ब्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग को अच्छा परफेक्टली बर्निंग ब्रिक चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन बना रहेगा, ताकि आपको जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो है आप लोग को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और जो बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट चल रहा है वो सीरीज ऐसे ही चलेगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल।